हेलो, गुड नाइट फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं अजय, आप लोगों की हार्दिक स्वागत है MRCD विद अजय सर, ठीक है ना? दोस्तों, मैं आज आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं। ऑनलाइन क्लास में एक न्यू सिस्टम, न्यू वर्जन लेके आप लोगों के बीच आया है दोस्तों। ये आज तक कोई नहीं किया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। मेरा जो सिस्टम है दोस्तों, ये सिस्टम आगे चल के सब कोई अपनाएगा, ठीक है ना? मेरा जो सिस्टम है वो है यूट्यूब चैनल। मैं दो लिंक, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। पहले पार्ट है एडवांस मैथ के लिए और दूसरा है अरिथमेटिक्स मैथ के लिए। दोस्तों, मेरा एडवांस मैथ के लिए अजय मैथ्स 1.0 में आप लोगों को सिर्फ एडवांस का मैथ का ही वीडियो अपलोड होगा दोस्तों। अजय मैथ्स 1.0, अजय मैथ्स 1.0 में सिर्फ क्या एडवांस का मैथ, एडवांस में जो जो टॉपिक रहेगा, जो जो इंफॉर्मेशन देने का रहेगा, जो भी कुछ बोलने का रहेगा, टोटल चीज आपका इसमें मैथ, अजय मैथ्स 1.0 में अपलोड कर देंगे। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। अरिथमेटिक्स का सेशन का दोस्तों, जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ, ठीक है ना, वो MRCD विद अजय सर। मेरा एक चैनल का नाम है MRCD विद अजय सर। और ये दोनों का जो कॉमन, एक कॉमन होता है दोस्तों, शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट SHORT, नहीं शॉर्ट वीडियो। वो शॉर्ट वीडियो एक चैनल का नाम है हम लोगों को, मेरा वो है MRCD वाला, ठीक है ना? तीन चैनल है दोस्तों। आप लोग तीनों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये तीनों चैनल में अब धमाल मचने वाला है आप लोगों के लिए। एक ब्रह्मास्त्र स्पेशल मैथ आ रहा है दोस्तों, उनमें से आप लोगों की मैथ एक एवरीडे अरिथमेटिक्स, एक एडवांस का एवरीडे एकदम एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर को देखते हुए और मैं आगे फ्यूचर को भी देखते हुए एवरीडे एक छोटा से 25 से 30 मिनट का वीडियो डेली से डेली दोस्तों, एक अरिथमेटिक्स और एक एडवांस का वीडियो आप लोगों के पास जरूर पहुंचेगा दोस्तों। आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल MRCD विथ अजय सर और अजय मैथ्स 1.0 या MRCD वाला, ये तीनों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये तीनों चैनल में आप धमाल मचने वाला है। ये सोच लीजिए, तीन वीडियो डेली, इसमें 30 मिनट का, ये 30 मिनट का और ये आपका वही 4-5 मिनट का, 4 मिनट नहीं, शॉर्ट तो 15-20 सेकेंड का एक वीडियो जाएगा दोस्तों, शॉर्ट वीडियो MRCD वाला में, ठीक है ना? तो आप लोगों के लिए ये आप सुनहरा ऑप्शन, सुनहरा ये ऑफर कभी नहीं छोड़ना चाहिए किसी को, क्योंकि ये चीज बार बार नहीं आएगा दोस्तों। जो आ गया सो आ गया, अब क्लियर कर दिया हूँ सबका अलग अलग, ठीक है ना? यूट्यूब चैनल मेरा जो है एडवांस मैथ के लिए अजय मैथ 1.0, अजय मैथ्स 1.0 और अरिथमेटिक्स के लिए MRCD विद अजय सर। और मैं हर चीज को दोस्तों एकदम डिटेल्स करके आप लोगों को कोशिश करूंगा इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, ठीक है? मैथ का जो भी चीजें होगी, जो भी टॉपिक होगा, एक एक टॉपिक जीरो से लेकर एक स्टेप ना स्किप करते हुए एकदम स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 कोशिश करूंगा हर चीज बताने का। और मैथ कैसे नहीं सीखोगे उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। मैथ को कैसे सीखना चाहिए, मैथ को कैसे बनाना चाहिए, मैथ से जो बच्चा डर लग रहा है, जो भाग रहा है, उसको कैसे मैथ को अपनाना चाहिए, मैथ के साथ कैसे उसको प्यार हो जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। तो हर चीज़ के बारे में मैं एकदम यूनिट वाइज से, एकदम धीरे धीरे, एकदम स्टेप वाइज से आप लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे मित्रों। और मैं आज आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक डिस्काउंट लेके आप लोगों के बीच आए हैं दोस्तों, ठीक है ना? डिस्काउंट ये तो बता दिए इंफॉर्मेशन आप लोगों को। डिस्काउंट 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 में एक चीज बताऊंगा, बस 20-15-20 मिनट का वीडियो होगा, ज्यादा देर का नहीं होगा, ठीक है ना?
उसमें कुछ ऐसा चीज है नहीं, ठीक है ना। बट सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। सक्सेसिव डिस्काउंट जिसको हम लोग एस डी बोलते हैं, नहीं सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, क्रमिक बट्टा, क्रमिक छूट, ऐसे कुछ होता है। एक होता है इक्वी वैलेंट डिस्काउंट, नहीं वही होता है ये जिसको हम लोग कहते हैं इक्वी वैलेंट डिस्काउंट समतुल्य, तुल्य बट्टा। तो मित्रों मैं एक बात बताना चाहता हूं आप लोग से कि ये जो चैप्टर्स है, मान लिया जाए कि कोई आर्टिकल का जो मार्केट प्राइस वो 100 रुपीस है, कितना है 100 रुपीस, और उस प्राइस उस आर्टिकल में पहली बार जो डिस्काउंट लगाया वो एक्स परसेंट लगाया, दूसरे बार जो डिस्काउंट लगाया वो वाई परसेंट लगाया, सक्सेसिव डिस्काउंट जिसको कहते हैं हम लोग। ये दो डिस्काउंट दिया, पहली बार जब हम मार्केट गए, ठीक है ना, तो वहां पे बताया कि इस मूल्य का या ये टी शर्ट का प्राइस 100 रुपीस है। अब उस प्राइस का दोस्तों मैं जैसे हम अपने से बोले कि चलो मैं 10%, वो बोला कि चलो, हम बोले उसको दुकानदार को कि आप बताइए ना कितना में दीजिएगा, मान लिया जाए इतना का चीज एक्स परसेंट डिस्काउंट दिया, तो फिर से मैं अपनी तरफ से वाई परसेंट डिस्काउंट बोले, ठीक है ना। क्योंकि एक बात आप लोग जानते भी होंगे यहाँ पे जो होता है मार्केट प्राइस ग्रेटर देन होता है सेलिंग प्राइस, जानते हैं ना, मार्केट प्राइस ग्रेटर देन होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस बड़ा होता है, मार्केट प्राइस जो होता है दोस्तों वो बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस छोटा होता है, ठीक है, ये बात जान लीजिएगा, प्रॉफिट के लॉस में समझ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए इसको जब हम लोग एक ग्राफी मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लिया जाए ये 100 रुपीस का कोई वस्तु है, उनमें हम एक्स परसेंट का छूट दिए, कितना एक्स परसेंट का, ठीक है, तो एक्स परसेंट का छूट दिए दोस्तों, इसका निकाल लेते हैं 100 × x/100, ये 2 0 से 2 0 गया, ₹x, तो देखिए इसमें से हम लोगों को ₹x माइनस कर दिए तो बचेगा क्या 100 − x, ओके। अब फिर से हम लोग इसमें दोस्तों वाई परसेंट माइनस कर दिए, वाई परसेंट फिर से डिस्काउंट दे दिए, तो 100 − x का y/100, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 100 × y/100 − xy/100, ये कट गया, तो y − xy/100, ठीक है। इसमें जो डिस्काउंट पड़ा दोस्तों क्या पड़ा, y − xy/100। जब इसमें हम लोग इसको डिस्काउंट देंगे तो क्या लिखाएगा दोस्तों, तो देखिए फिर से माइनस करते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे 100 − x − y − ये कितना हो जाएगा xy/100 के। अब देखो ओवरऑल डिस्काउंट अगर देखा जाए यहां से यहां तक में, ठीक है, तो ओवरऑल डिस्काउंट जो होता है ना वो 100 माइनस करना पड़ता है दोस्तों, 100 − x − y − xy/100 का होल टू द पावर x%, होल टू द पावर परसेंट, ठीक है। अब देखिए जो मल्टीप्लाई होगा तो
तो सब प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ओके परसेंट, ये हो गया आपका फॉर्मूला दोस्तों, ठीक है। ये एक्स प्लस वाई बाई 100, तो ये हमारे क्या हो गया फॉर्मूला। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर मान लिया जाए एम आर पी वही रहता दोस्तों, ये एक फॉर्मूला हो गया सक्सेसिव डिस्काउंट का, ठीक है ना, जब दो बार छूट दिया रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट छूट देगा, तब उस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट आपका वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, ओके। मान लिया जाए एक क्वेश्चन और हम लोग इसी में से, अगर डिस्काउंट सेम रहेगा दोस्तों, मान लिया जाए उस वस्तु का जो प्राइस है मार्केट प्राइस वो है आपका 100 रुपीज, ठीक है ना, बट डिस्काउंट आपके पास दोनों में सेम है, यहाँ पे भी एक्स परसेंट है और यहाँ पे भी एक्स परसेंट है, डी वन इज इक्वल टू एक्स परसेंट, डी टू इज इक्वल टू भी एक्स परसेंट है। अगर आपके पास डिस्काउंट सेम है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे 100 में, ठीक है, अगर एक्स परसेंट डिस्काउंट करते हैं दोस्तों, तो अगर एक्स रुपीज कम हो जाता है तो क्या होगा बताइए आप लोग, 100 माइनस एक्स, ठीक है, फिर इसमें एक्स परसेंट अगर डिस्काउंट करते हैं तो क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे मित्रों कि 100 माइनस एक्स इंटू एक्स बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो 100 इंटू एक्स बाय 100 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100, ठीक है, तो देखिए ये इससे कट जाएगा, ये कितना होगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे कि यहाँ पे जब माइनस करेंगे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100, ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 जब इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100, ठीक है। अब देखिए ओवरऑल अगर निकालना चाह रहे हैं दोस्तों तो क्या होगा, अगर ओवरऑल हम लोग निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, ओवरऑल डिस्काउंट तो 100, ठीक है ना, ये तो 2 हो जाएगा दोस्तों, माइनस 100 माइनस 2x माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर बाय 100, तो फाइनली तौर पर अगर देखा जाए 100 माइनस 100 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100, ओके, तो हम लोग ये कटा दिए तो बच गया क्या 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100, ये हो गया हम लोगों का, ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट। तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखे, जब इस तरह का कंडीशन रहता है दोस्तों तो ऐसे ही करना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। आइए दो चार एग्जांपल्स लेता हूँ तभी तो मजा आएगा, ठीक है, जैसे कि कोई आर्टिकल का प्राइस मान लिया जाए 100 रुपीज है, उसमें जो डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट एक बार 10% दिया, एक बार 15% दिया, तो फाइंड द ओवरऑल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, इसमें जब भी निकालना है तो ए प्लस बी है तो देख लीजिए, ठीक है ना, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 15 बाय 100, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो डिस्काउंट है दोस्तों तो सीधी सी बात है ना, तो ओवरऑल डिस्काउंट निकालना है, ठीक, तो माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा ना, माइनस 25 और प्लस 150 बटे 100, 1060, तो सीधा बात है कितना होगा, 24.5%, ठीक है,
24.5%। तो आप लोग देख लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। मान लिया जाए और एक क्वेश्चन है 20% और 20%, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 20 माइनस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाय 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, -40 माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू -36। ओके, आप लोग देख लीजिएगा इसको, यही आपका डिस्काउंट है दोस्तों। ओके दोस्त, आप लोगों की क्लास यही तक रहेगी आज, कल फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है।